दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि शादी के लिए जरूरी क्या होता है, तो आप कहेंगे लड़का लड़की, सगे संबंधी और बैंड बाजा बारात। लेकिन ये तो हुई आम जिंदगी, जो सभी में कॉमन होती है। आज हम आपको दिखाएंगे अमीरों की मेंटोस जिंदगी, जहां बैंड बाजा बारात से ही काम नहीं चलता, बल्कि एक मोटा तगड़ा बैंक बैलेंस होना भी जरूरी है। माने कि जो मंडप फूलों से सजाया जा सकता है, उसे भी 500 और 2000 के नोटों से सजाया जाता है। और इनकी शादी के एक कार्ड की कीमत भी उतनी होती है, जितने में किसी नॉर्मल परिवार में पूरी की पूरी शादी हो जाए। तो आज के इस सफर में हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही शादियों के बारे में बताएंगे, जिसमें पैसे को पानी की तरह बहाया गया। और आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सिर्फ अंबानी ही नहीं, बल्कि कई और बिलियनर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों की शादियों में अरबों रुपए लुटा दिए। Factify, facts on your face. संजय हिदुजा एंड अनु महंती, भारत के सबसे अमीर कारोबारी परिवारों में से एक। 50 साल के संजय हिदुजा ने 2015 में फैशन डिजाइनर अनु महंती के साथ एक शानदार शादी की, जिसमें हजारों लोग बतौर गेस्ट शरीक हुए। और इस शादी में करीब करीब 15 मिलियन पाउंड्स, माने कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। करीब एक हफ्ते तक चलने वाली इस शादी में सबसे बड़ा खर्च देखा जाए तो जेनिफर लोपेज का कॉन्सर्ट था, जिसके लिए उन्हें ही 10 करोड़ रुपए देने पड़े। इसके अलावा शादी मुंबई और उदयपुर जैसी अलग अलग डेस्टिनेशंस पर हुई, जिसमें बॉलीवुड के फिल्मी सितारों से लेकर दुनिया की कई बड़ी बड़ी हस्तियां शरीक हुई, जिन्हें वेन्यू तक लाने के लिए 208 प्राइवेट जेट्स को हायर किया गया था। और उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां थी। बात करें इस शादी के खाने की, तो मेहमानों के लिए 16 देशों के जायकेदार क्विजींस को परोसा गया, जिसका उन्होंने मजा मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर जैसे सितारों की लाइव परफॉर्मेंस देखते हुए लिया। वनीषा मित्तल एंड अमित भाटिया, दोस्तों वनीषा मित्तल लंदन में बेस्ड एक बड़े बिजनेसमैन लक्ष्मी निवास मित्तल की बेटी है, जिसकी शादी 2004 में बैंकर अमित भाटिया से की गई। ये शादी 6 दिनों तक पेरिस में चली, जिसके लिए सभी गेस्ट को सिर्फ इनविटेशन ही नहीं, बल्कि इनविटेशन के साथ साथ सिल्वर के एक बॉक्स में पेरिस के लिए एयर टिकट और 5-स्टार होटल की बुकिंग डिटेल्स भी भेजी थी। सिर्फ यही नहीं, कुछ खास मेहमानों के लिए प्राइवेट जेट्स का इंतजाम था, ताकि उनकी बेटी की शादी में भारत समेत दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां आ सकें। और फिर शादी में आए सभी मेहमानों को सोने से बने हुए तोहफे दिए गए। साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए कई अमेरिकी सिंगर्स को बुलाया गया था, और इस मौके को यादगार बनाने के लिए आईफिल टावर पर आतिशबाजी भी की गई। दोस्तों, इस शादी में लगभग 78 मिलियन डॉलर्स, माने कि 517 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया। हालांकि ये बात अलग है कि उस वक्त की सबसे महंगी शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, क्योंकि 10 साल बाद सन 2014 में मित्तल की बेटी वनीषा और अमित के बीच तलाक हो गया। मतलब 517 करोड़ वेस्ट, पैसा बर्बाद। ब्राह्मणी एंड राजीव रेड्डी, दोस्तों ब्राह्मणी कर्नाटक के पूर्व मंत्री और माइनिंग किंग जनार्दन रेड्डी की बेटी है, जिसने अपनी शादी पर 90 करोड़ के जेवरात और 17 करोड़ की शादी का जोड़ा पहना था। और उनकी शादी के सेट को किसी आम डेकोरेटर ने नहीं, बल्कि बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर्स ने मिलकर तैयार किया था। रेड्डी परिवार के नजदीकियों के मुताबिक इस शादी में करीब 50,000 लोगों को बुलाया गया, जिन्हें बुलाने के लिए एक खास तरह की शादी का कार्ड भेजा गया, जिसमें वीडियो मैसेज के जरिए गेस्ट को इनवाइट किया गया था। शादी में आए गेस्ट को एंट्री गेट से लेकर मैरिज हॉल तक एक बैलगाड़ी पर ले जाया गया, पूरे ट्रेडिशनल स्टाइल में। इस शादी में नेता से लेकर अभिनेता तक शामिल हुए, और राज्य के मुख्यमंत्री भी, जिनकी सुरक्षा के लिए 3,000 से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए थे। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक पारंपरिक रूप से हुई ये शादी बेंगलुरु पैलेस में संपन्न हुई, जिसमें करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आया, वो भी वैसे वक्त में जब नोटबंदी थी। सुशांतो रॉय एंड रिचा आहूजा, सीमांतो रॉय एंड चांदनी तूर, दोस्तों ये है सहारा के प्रमुख सुब्रतो रॉय, जिन्होंने एक ही मंडप में अपने दोनों बेटों सुशांतो और सीमांतो की शादी करवाई, जिसके लिए उन्होंने सहारा टाउनशिप लखनऊ को महलों की तरह सजवा दिया। यहां तक कि जिन प्राइवेट जेट्स में
गेस्ट को लाया गया। उसमें गेस्ट के लिए सोने के नैपकिन थे। लेकिन दोस्तों, भले ही सुब्रतो रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी में 550 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन ये पैसे उन्होंने इधर उधर की चीजों में नहीं उड़ाए, बल्कि बहुत सारे अच्छे काम भी किए। जैसे कि इस शादी के 11,000 गेस्ट के लिए 100 से भी ज्यादा डिशेज बनाई गई थी, जिन्हें 1.5 लाख बेघर लोगों को भी परोसा गया, माने कि अन्नदान। इसके साथ ही रॉय परिवार ने 101 गरीब लड़कियों की भी शादी करवाई, ईशा अंबानी एंड आनंद पीरामल। दोस्तों, जब बात पैसों की हो रही है तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे आपके सबके प्यारे मोटा भाई, माने कि रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी कहीं पीछे नहीं है। इसीलिए तो उनके नाम भारत के इतिहास की सबसे महंगी शादी करवाने का रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी ईशा की शादी में 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए। हालांकि बेटे की शादी के खर्च को रिवील नहीं किया गया, लेकिन अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डेकोरेशन भी 2000 के नोटों से की गई थी। बाकी हम लौटते हैं ईशा अंबानी की शादी पर। तो दोस्तों, मोटा भाई ने 3000 लोगों को कार्ड दिया था, जिसके एक कार्ड की कीमत थी करीब 3 लाख रुपए, माने कि 90 करोड़ तो बस कार्ड बांटने में ही लगा दिए। शादी तो एंटीलिया में हुई, लेकिन उससे पहले बियॉन्से के प्राइवेट कॉन्सर्ट से लेकर सगाई की पार्टी इटली के लेक कोमो में हुई। दोस्तों, आपको बता दूं कि बियॉन्से वही पॉप सिंगर है जिसने कभी भारत को गरीब कहा था, और उसे ही मोटा भाई ने 20 करोड़ रुपए देकर अपने इंडियन दोस्तों और फैमिली के लिए तातातैया करवाया। सगाई के बाद संगीत पार्टी के लिए उदयपुर का महल बुक किया गया, जहां गेस्ट को लाने के लिए प्राइवेट जेट्स की लाइन लग गई। इस दौरान देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन तक पहुंची थी। इस शादी में ईशा ने 90 करोड़ का लहंगा पहना था, और शादी में बड़े बड़े फिल्मी सितारे ठुमके लगाने के साथ साथ खाना परोसते भी नजर आए थे। अब अंबानी है तो सब कुछ मुमकिन है, और इसी के साथ ये बनी दुनिया की दूसरी सबसे महंगी शादी। और अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया की सबसे महंगी शादी की कहानी, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब जानते हैं क्या करना है, मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।